भारत और इंग्लैंड मैच को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बीसीसीआई ने अभी अभी अनाउंसमेंट किया कि आज इस मुकाबले को इतने बजे दोबारा से खेला जाएगा। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं यह मुकाबला दोबारा से खेला जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के सभी लीग मुकाबलों में अच्छी शुरुआत की थी, जबकि 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, वो भी साउथ अफ्रीका के हाथों। और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 के पॉइंट टेबल में 8 पॉइंट के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में एंट्री कर गई, जबकि पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, जबकि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान की टीम ने बुरी तरीके से हराया और T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन लगाए, लेकिन दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा इंग्लैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गवाए मात्र 16 ओवर तक ही कर लिया और इस मुकाबले को 10 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर दोस्तों आपको बता दें, हार के बाद भारतीय टीम के क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट गया। भारतीय क्रिकेट फैंस ने कहा कि बेईमानी से जीता था इंग्लैंड, क्योंकि इस मुकाबले में एम्पायर ने सरासर बेईमानी कराई थी और एम्पायर को इंग्लैंड की टीम ने 50 करोड़ रुपए भी दिए थे, इसलिए एम्पायर ने यह मुकाबला खुद हरवाया था। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपके हिसाब से इस मुकाबले में बेईमानी हुई थी या फिर नहीं।